और अब बात करते हैं इंदौर की, जहां भंवर कुआं पुलिस ने 25 साल की युवती की शिकायत पर फूड ट्रक संचालक के खिलाफ नशा देकर रेप करने का मामला दर्ज किया है। आरोपी ने युवती से पहले दोस्ती की, उसी के कमरे में जाकर नशा देकर गलत काम किया। आरोपी ने युवती के न्यूड फोटो भी खींचे और उसे लगातार ब्लैकमेल कर गलत काम करने लगा। वहीं युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पता चला कि वो शादीशुदा भी है। एसआई मनीष डांगे के मुताबिक 25 साल की युवती की शिकायत पर पुलिस ने लॉरेंस फेडरिक निवासी विजयनगर के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया है। युवती ने पूछताछ में बताया कि वो स्पा सेंटर में काम करती है। इस दौरान उसकी मुलाकात लॉरेंस से हुई, जो कि वहां आने जाने के चलते दोनों में दोस्ती हो गई। लॉरेंस फूड ट्रक संचालक था। उसने पीड़िता से दोस्ती के बाद उसे बताया कि वो उसे पसंद करता है और शादी करना चाहता है। वहीं 2021 को अक्टूबर में पीड़िता के फ्लैट में उसे मिलने पहुंचा, जहां उसने जूस में नशे की दवाई मिलाकर उसके साथ गलत काम किया, जिसके बाद लॉरेंस ने पीड़िता के अश्लील फोटो भी लिए और उसके ऊपर लगातार संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने लगा। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जब उसका मोबाइल जब्त किया तो उसमें मेकअप आर्टिस्ट के कई न्यूड फोटो भी मिले, जिसके पुलिस ने सबूत के तौर पर जब्त कर लिए हैं। आरोपी से नशे की दवा को लेकर पूछताछ की गई तो उसने एक दोस्त के माध्यम से मेडिकल संचालक से दवा लेने की बात कही है, जिसके बाद अब पुलिस इस मामले में दो और लोगों को आरोपी बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माशा सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।